उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी की खीरी के प्रमुख नदियां शारदा घाघरा अभी इस समय उफान पर चल रही हैं, जिसके चलते क्षेत्र में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है और जिले के कई क्षेत्रों में नदियों ने अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से कटान होना भी शुरू हो गया है। वहीं शारदा नदी से सटे गाँव श्रीनगर, आबाद नगर, बर्बाद नगर सहित कई ग्रामों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि हर साल उनकी सैकड़ों एकड़ भूमि और फसल नदी की भेंट चढ़ जाती है, जिससे उनका काफी नुकसान हो जाता है और क्षेत्र के कई गांवों में अब बाढ़ का पानी भरना शुरू भी हो गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए तमाम तरह के जो दावे किए जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो उनके ये दावे खोखले ही साबित होते हैं। परेशानी बहुत होती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। क्यों का है, सब परेशाने हैं, कोई सुनवाई जब हो तब ना कोई बताए। क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या जमीनें वगैरह चली जाती हैं, क्या पानी जमीनें वगैरह तो अभी नदी में है, जो फसलें नहीं बो मिलता है, हर साल बाढ़ आती है और इसकी कोई सुनवाई है नहीं, ना पैसा कुछ मिलता है, ना खर्चा मिलता है। अच्छा, कितनी ज़मीनें चली जाती हैं आपकी पानी में, हर साल आती है बाढ़ और हर साल चली बाढ़ आती है, तो हर साल ज़मीनें कटती हैं? हर साल ज़मीनें वो पड़ जाती है, फिर पड़ती है, फिर पड़ जाती है। अच्छा, कौन कौन गांव हैं आसपास जहां बाढ़ आती है? परिया है, मगही है, आजाद नगर, बर्बाद नगर, ये श्रीनगर है, इधर चले जाइए जमुनाहा, ढकिया, ये सब तो पानी में है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद एक बार फिर लखीमपुर खीरी जिले की प्रमुख नदियां शारदा, मोहना और घाघरा नदी उफान पर आ चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में एक बार फिर बाढ़ के खतरे को लेकर भय व्याप्त हो चुका है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में हर साल बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल ग्रामीणों की पानी की भेंट चढ़ जाती है और यही नहीं, कई ज़मीनें बाढ़ की जद में चली जाती हैं, जिससे ग्रामीणों का काफ़ी नुकसान होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील स्थित शारदा नदी के तट पर, जहां पर आपको साफ तौर पर जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाढ़ का पानी अब नदी उफान पर हो चुकी है और बाढ़ का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। और यही नहीं, आपको यह भी बता दूं, जिले के कई थाना क्षेत्रों में बाढ़ की भयावह स्थिति देखी जा रही है। गांव में पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीण अब परेशान हाल हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर भी ग्रामीणों का सरासर आरोप है, जो प्रशासन की ओर से जो तैयारियों के दावे किए जाते हैं वो हर साल फेल होते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है और प्रशासन पर आरोप भी लगाया है कि उनको बाढ़ जब आती है तो उनको कोई भी प्रशासनिक सहायता सही से नहीं मिल पाती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो बाढ़ आने वाली है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ अपनी तबाही मचाती है, और क्या प्रशासन उनकी सहायता कर पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। एनबी न्यूज़ के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर।